आइए हिमांशु पांडे, अल्कोहल ईथर एक्साइज वन लेवल टू 129, 127, 125 ऑनवर्ड सम ऑप्शन डिस्कस। यार जुगाड़ की राजनीति लगी हुई यार, नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट टू करेंगे। ट्रायंगल को ओपन कर रहा हूं मैं, तो ट्रायंगल में भी एसिड टू की प्राइमरी साइड अच्छी है, तो ऐसा वो है कि वो नेगेटिव। अब जैसे ही ये हुआ तो ये बोलेगा मेरे साथ चीटिंग हुई है SN2 के लिए, तो मैं हकदार था तुम्हारे पास SN2 के गलत बात तरीके का, चल तू जा SN2। इसका मतलब ये जो O नेगेटिव निकला है दैट विल एक्ट एज इंटरनल न्यूक्लियोफाइल NGP टाइप, तो फिर से ट्रायंगल बन जाएगा। यहां पर यहां क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास ये भी इलेक्ट्रोफिलिक साइड थी, ये भी थी, ये 2D भी थी, ये बंडल भी थी, तो हमने सोचा चलो यहां कराते हैं, यहां कराया तो नाराज हो गया, इसको भी ले चल ठीक है, दिस विल एक्ट एज इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, तो ऐसा कुछ आंसर आप लिखो। 127 देखिएगा, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड स्ट्रॉन्ग बेस एलिमिनेट कर सकता है SN2 भी E2 भी। जैसे अगर मैं एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन की बात करूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि 2D की साइड कंफ्यूज साइड है, 2D साइड पर अगर हल्की सी भी क्राउडिंग ज्यादा लगे तुम्हें तो एलिमिनेट कर दिया करो। मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो ये वाला है इस 2 डिग्री इलेक्ट्रो साइड पर दो मिथाइल है तो SN2, अगर एक भी मिथाइल है तो E2 थोड़ा सा ज्यादा, SN2 भी अच्छा खासा होगा बट E2 2-4% ज्यादा। तो यहां पर वही बात की यार, इस 2D की साइड पर थोड़े ग्रुप्स तो हैं तो मैं E2 करवाना थोड़ा ज्यादा पसंद है, तो OTS E2 कराऊंगा तो जाने वाला OTS है, दूसरा जाने वाला ग्रीका हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही, यहाँ पर हाइड्रोजन ये रहा ये जाएगा, यहाँ पर डबल होगा। एल्कोहल है 3 डिग्री और कंसंट्रेटेड एस्टर से रेटिंग है, तो इवन एलिमिनेशन, तो इवन एलिमिनेशन में क्या प्लस एच प्लस माइनस एच टू, तो कैटायन बनेगा। अब 7 मेंबर रिंग पर पॉजिटिव, 7 मेंबर रिंग पर अगर पॉजिटिव तो रिंग कॉन्ट्रेक्शन हम करते हैं, बट तभी करेंगे जब रिंग कॉन्ट्रेक्शन के तुरंत बाद 3 डिग्री या बेटर कैटायन बने, बेटर कैटायन में रेजोनेंस वाले या वुलनर रेजोनेंस वो सब आए। तो यहां पर देखिए अगर मैं इसको रिंग कॉन्टैक्ट करता हूँ 6 मेंबर बनाता हूँ, तो जो कैटायन बनता है वो कौन सा होगा, अच्छा बन रहा है तो रिंग कॉन्ट्रेक्शन हम करेंगे, उससे बेटर ही बन रहा है, 3 डिग्री भी और 6 अल्फा भी, फिर माइनस ऑफ एच प्लस यहां से तो है नहीं, तो ये से होगा। तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। 130 ये आपकी रिमर टिमन फॉर्मुलेशन है, तो इसमें सीएचओ कनेक्ट करेंगे,
कहां पर ऑर्थो पैरापर को हाइड्रोजन है नहीं, और तो ये भी है ये भी है, तो या तो यहां सी एच ओ है यहां सी एच। इसने बोला अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्मुलेशन तो नॉर्मल प्रोडक्ट है, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होगा वो समझना। क्लोरोफॉर्म एनओएच से डीसीसी बनेगी, डाइक्लोरोकार्बी। अगर इसको मैं पैरा पोजिशन पे लाता तो कैसे होगा, ये इधर यहां और यहां पर डीसीसी आएगी एज इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर बेंजीन भी है, बेंजीन भी सॉरी साइक्लोहेक्सेन जो भी, क्या हुआ होगा देखिए, सी सी एल सी एल नेगेटिव एन ए पॉजिटिव। अब यहां पर अगर एच होता तो यहां पर एच आ जाता और फिर आगे प्रोसीडिंग होती और सी एच में कन्वर्ट होता, यहां पर एच है ही, अब क्या करें कुछ नहीं। और उसके बाद में फिर माइनस ऑफ एच प्लस ये यहां प्रोटोनेट कर दिया, तो ऐसा आंसर होगा, दैट इज अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। ये मैंने आपको रिमर्टिवन फॉर्मुलेशन पढ़ाते वक्त भी बताया था कि यार आईआईटी में एक बार कॉम्प्रिहेंशन आया था, उन्होंने ये पूछा था कि भाई ये तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, एक अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो ये भी बनेगा। ठीक है, ये उन केसेस में बनता है जहां पर डीसीसी गई जिन साइट्स पर, अगर वहां पर हाइड्रोजन नहीं है तो फिर ये अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बने। राइट, 132 हाउ मेनी स्ट्रक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, ओके, इस पर कंसंट्रेटेड H2SO4 डेल्टा है तो एल्कीन बनेगी, ट्रांस क्यूप्यूटीन, सिस क्यूप्यूटीन और ब्यूटमोनी ये सब बनेगी, फिर Br2CCl4 से एंटी एडिशन होता है तो ट्रांसफर एंटी एडिशन से कोड क्या हमारा तार कसम टेमा मीजो, तो इसमें मीजो बनेगा, मीजो तो एक ही होगा। अच्छा, सिस पर अगर देखूं एंटी एडिशन तो CAR रेस्पिट बनेगा, तो ये दो बनेंगे। दोनों आपस में एनेंटियोमर्स होंगे, इसमें अगर मैं देखूं Br2CCl4 से तो एंटी एडिशन और क्या, अब इसमें ध्यान से देखो तो यहां सिंगल पैरल सेंटर है तो उस पर अपोजिट कॉन्फिगरेशन है, ये भी इनेंटियोमेरिक पेयर, तो दो चार और एक पांच, तो फाइव इज द राइट आंसर, तो फाइव इज द राइट आंसर।